नमस्कार सभी को। कैसे भाई? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट और देखते हैं इस पार्ट को। एयरफोर्स का जो पार्ट अपना चल रहा है, इसकी डेट अभी उन्होंने लिखा है अगस्त के लास्ट वीक में कुछ वो क्लियर करेंगे पेपर का, क्या कंडीशन है क्या कंडीशन नहीं है। आपने शायद देख लिया होगा मेरे हिसाब से, हाँ इतनी उम्मीद करूँगा आप लोगों से कि आपने इतना तो पार्ट देख ही लिया होगा कि अगस्त के लास्ट वीक में शायद उन्होंने साइट पर दिया है कि अभी कन्फर्मेशन मिल जाएगी अगस्त में। ठीक है, पहले जुलाई था लेकिन उसे चेंज कर दिया गया। गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आ जाओ जल्दी फटाफट। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते कहाँ तक पहुँचे थे। देखो ये आपके लिए है, पढ़ देना एक बार। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। क्लियर? इतनी इंग्लिश तो चाहिए भाई। 50 का पार्ट आएगा एनडीए में। 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ठीक है, और इस पार्ट को देखना। जो एयरफोर्स वाले पार्ट पर जाओगे तो एयरफोर्स वाले पार्ट पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पे 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आ रही होगी, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस पार्ट पे। ये बातें मैंने आपको सारी बताई थी लगभग, और सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका था। बस थोड़ा सा पार्ट एक बार मुझे दोबारा से आपको रिकैप कराना है, वो ये वाला पार्ट है। ध्यान देना थोड़ा सा इस बात के ऊपर। यहाँ तक मैं ये डिस्कस कर चुका था आपसे लास्ट क्लास में। ये वाला हिस्सा, ये इसे करके दिखाओ आप मुझे जल्दी से एक बार। इसका आंसर करो, बहुत तेज आंसर करना है इसका, जल्दी बहुत तेज आंसर करना है इसका, जल्दी आंसर करो। ये जल्दी आंसर करेंगे इसका आप। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? भाई एयरफोर्स के करवा रहा हूँ, ठीक है। एयरफोर्स में मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता मिस्टर राजेश कुमार। क्लियर है? एयरफोर्स में मिक्सचर एलिगेशन नहीं आता, बस ये बात थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आप लोग कमेंट देख पा रहा हूँ बिल्कुल। विकी कुमार, प्रीति, खुशबू, साहेब, राजवीर, शिवम, श्यामू, एस कुमार, शानू, कमलेश। सीडीएस की तैयारी में और इसकी तैयारी में अंतर होता है मेरे भाई, ठीक है, दोनों चीज़ों में अंतर है। और जल्दी बताओ इसका आंसर आप क्या करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी। देखो थोड़ा सा एक बार फटाफट देखेंगे। इसकी जगह 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और अगर ये 1 है तो इसे इंटीग्रेशन में से कह सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। जब इसे इंडिविजुअल डिवाइड करोगे, देखो साइन स्क्वायर अपॉन दिस, तो साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर रह जाएगा। तो इसे मैं सीधा लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस, इसे डी एक्स भी लगा लो, यहीं पार्ट भी कर दिया इसका कहीं भी, प्लस इंटीग्रेशन साइन कोस से कोस कट जाएगा तो सेक रह जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स और ये होगा डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स होता 10x का, कोसेक स्क्वायर होता माइनस कोट एक्स का, तो प्लस सी इंटीग्रेशन में, तो 10x माइनस कोट एक्स प्लस सी इसका आंसर होगा। मतलब देखो, अगर आप चीज़ों को समझ पाते हो। आकाश कुशवाहा बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 12th क्लास में बिल्कुल। तो मैं आपको बस यही बात बोल रहा हूँ, अगर आप समझ पाते हो। देखो 1, 2 और 3 लाइन में आपका आंसर रखा हुआ है। चीज़ों को रियलाइज़ करना सबसे पहले, अगर आप एक बार रियलाइज कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। क्लियर है? देखो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इससे आगे देखें ध्यान से। ये क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट प्लीज। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स डी एक्स। जल्दी बताओ फटाफट। वाई ग्रुप वाले मैथ्स के लिए आपको 7 से 8:30 वाले बैच में आना पड़ेगा, 7 से 8:30। ये एक्स ग्रुप का पार्ट चलेगा, 7 से 8:30 वाला जो पार्ट है 7 to 8:30, उसमें आपका वाई ग्रुप का पार्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, उसकी बेसिक क्लास भी कर लोगे तब भी आप वाई ग्रुप कवर कर जाओगे। जल्दी आंसर करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट हो यहाँ तक तो आप मेरे से बिल्कुल बेझिझक होकर पूछ सकते हो। सिंधु यादव मैं आपका रिप्लाई कर चुका। जल्दी आंसर करो। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस e की पावर x को अंदर भेजो, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e की पावर x रूट x प्लस dx भी लगा लो यहीं पे, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन इसे फिर अंदर भेज देते हो जाएगा e की पावर x इंटू 1/2 रूट x और ये हो जाएगा dx। अब ध्यान से समझेंगे, देखो इसके केस में मैंने आपको बताया था कि आइलेट याद रखना, क्या याद रखना, आइलेट। इसका मतलब क्या है, इन्वर्स लोगरिथम, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल बाद में, मतलब एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आएगा। तो अगर मुझे फंक्शन लेट करना है तो एक्सपोनेंशियल को मैं सेकंड फंक्शन लेट करूंगा और इसमें फर्स्ट फंक्शन लेट करूंगा। कुछ बातें याद आ रही है आपको? हाँ जी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट टू सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल का इंटीग्रेशन। यही बात समझ आते हैं हम। तो देखो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट टू सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन तो सेम होता है e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स जो होता है वो क्या बताया था, x की पावर n माइनस 1, तो ये कितना है 1/2 माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 और नीचे कितना हो जाएगा माइनस 1/2। बात समझ आ रही है, x की पावर nx की पावर n माइनस 1 सॉरी, तो कितना हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1 से मैं इसे निकाल दूंगा तो 1/2 ये हो जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। बात याद आई? ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि जब रूट एक्स के डिफरेंशिएशन की बात होगी तो 1/2 रूट एक्स आप यहाँ पे रिलेट कर रहे होंगे। याद है थोड़ा सा? ठीक है, याद है, क्लियर। देखो इधर ध्यान से, अब इसके बाद समझो यहाँ पे जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट टू सेकंड फंक्शन और उसके बाद क्या कहते हैं माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और इसका इंटीग्रेशन सर e की पावर x और कंप्लीट में लगा dx प्लस इंटीग्रेशन आगे क्या लिखा हुआ e की पावर x 1/2 रूट एक्स dx। तो आप बच्चा बता देगा अब इस बात को कि सर यहाँ से बड़े प्यार से आप इसे ये कह दो कि सर इस हिस्से से ये हिस्सा कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, क्लियर। तो क्या बच गया, रूट एक्स ई की पावर एक्स प्लस सी, तो ये भी तीसरी लाइन में आंसर है। बड़ा सिंपल सी बात थी, थर्ड लाइन में आंसर आ जा रहा है। आयुष भाई कह रहा है कि सर मैं 11th क्लास में हूँ, ओके, और मुझे एनडीए क्लियर करना है, तो क्लास आप क्लास अभी रेगुलर देखते रहो तब तक, ठीक है। उसके लिए देखो एनडीए के लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोस्पेक्टस होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको 12th पास होना भी जरूरी है, ठीक है आयुष, बात समझ आई मेरी। तो एनडीए के लिए आपको 12th पास होना भी जरूरी है, तो 12th सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स बन जाते हैं तो आप एनडीए भी बहुत हद तक वहीं से कवर कर पाओगे, ठीक है। अगर आपके 12th में अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे तो इसका मतलब दिक्कत है, तो पहली प्रायोरिटी आपकी 12th है। मेरी बात समझ आ रही है? पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है, 12th है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जीएस की बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। जीएस का क्योंकि बहुत वाइड सेक्शन है तो आप उसे इंटरेस्ट के बिहाफ से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर सकते हो, क्लियर है? बात समझ आ रही है मेरी? हाँ, चलो आगे देखो। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डीएक्स, जल्दी बताओ फटाफट क्या करेंगे हम इसमें। गॉड ब्लेस यू मेरे भाई प्रताप जी ना, जल्दी आंसर करो। देखो मैं सही सलाह दूंगा, सीधी सी बात है। अब मुझे मतलब ये नहीं है कि मतलब मेरा पार्ट आना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए, ठीक है, वो बात की बातें हैं, लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको जो सलाह दी जाएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट दी जाएगी, ठीक है। जो सलाह आपको जाएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट जाएगी, उस पार्ट को आप बिल्कुल समझते जाओ धीरे 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 धीरे। जो बात आपको समझ में नहीं आती उसे आप मेरे से पूछ सकते हो। तब तक ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी फटाफट। साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स, तो dx आपको इंटीग्रेशन साइन आपको लगा कर दिया होगा उसने। चेक करके देखो फटाफट, जल्दी आंसर करेंगे। इसमें लगा दो। करके बताओ जल्दी फटाफट। राहुल खान ने आंसर दिया 2 sin root x plus c। विक्रांत तोमर कह रहे हैं 2 cos root x minus का। अच्छा जी, एक अशोक कुमार जी कह रहे हैं x आएगा। भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, है अभी थोड़ा सा वेट करो, पढ़ते जाओ चीज़ों को। देखो सुनो ध्यान से मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहली अप्रोच क्या है इसमें? सबसे पहली अप्रोच इसमें है कि रूट एक्स को टी मान लो, इस वाले रूट एक्स को। तो ये रूट एक्स को जैसे आप टी रखोगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 root x dx = dt हो जाएगा। क्लियर है? तो 1/root x dx = 2 dt हो जाएगा। तो मैंने ये उठा के यहाँ रख दिया। तो देखो 1/root x और ये dx जो ये हिस्सा है, इस हिस्से की जगह पे यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 2 dt मिल जाएगा। बात को बहुत प्यार से समझना, 2 dt मिल जाएगा। तो मैंने इसे कहा है इंटीग्रेशन साइन t, साइन t, और इसके मैं इंटू कर दिया 2 dt। तो जब इंटीग्रेशन करते तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन t dt। क्लियर है? तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? क्या होता है साइन टी का इंटीग्रेशन? माइनस कोस टी। ठीक है, तो ये लगाया -2 cos t dt। अब देखो dt तो हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट कर चुके, और t की जगह क्या आ जाएगा, रूट एक्स। तो -2 cos root x और +c हमारा आंसर होगा। बहुत आराम से समझने की चीज़ें हैं। कोई बात ऐसी हो जो आपको ना समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। शिवम पांडे बिल्कुल सही है। आकाश कुशवाहा थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, थोड़ी सी गड़बड़ कर गया। बिल्कुल समझ आ गया सभी को? दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी? एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। देखो हम हमेशा क्या करते हैं, जिसको हम टी मानते हैं, ये रूट एक्स को हमने टी रखा, तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो देखो dt/dx। ठीक है, टी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफ्रेंशिएशन अभी मैंने आपको समझाया था कि 1/2 root x होता। क्लियर है? अब देखो हमें dt चाहिए, और ये dx वाला पार्ट यहाँ से देख लिया हमने, इतना जो ये हिस्सा है, जो ये वाला हिस्सा जो मैंने अभी लिखा है dx/√x, तो ये डिवाइड में इस तरफ लेके आऊंगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो dx/√x। बस इतना ही चाहिए था, तो 2 एक्स्ट्रा था उस तरफ भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2 dt। बात क्लियर है? उठाया और यहाँ रख दिया। तो जब आप इसे यहाँ रख रहे होंगे तो इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स की जगह कर दिया t, और इस dx/√x की जगह कर दिया इंटू 2 dt। ये 2 कांस्टेंट है, अगर 2 कांस्टेंट है तो इसे बाहर रखेंगे, तो बाहर रखेंगे 2 इंटीग्रेशन साइन t dt, ये हो जाएगा। और साइन का हम जानते हैं कि -cos x होता है जब साइन x होता, तो यहाँ t है तो cos t हो जाएगा माइनस का, तो +c। अब देखो रूट एक्स इज इक्वल टू किसके, t के, तो t की वैल्यू रूट एक्स यहाँ पुट करेंगे, तो -2 cos रूट एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब तो समझ आ गया होगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए अर्थमेटिक वाला मैथ्स पढ़ना होता है, ठीक है। विवेक कश्यप एग्जाम की कंडीशंस क्लियर होंगी इस मंथ के लास्ट में, अगस्त में, ठीक है। अगस्त के आसपास में क्लियर हो जाएगा कि क्या कहानी बनने वाली है आपके साथ में। तो तब तक तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे हम, ठीक है। चलो आगे, रूट एक्स को बताओ क्या टीम क्या मानना चाहते हो आप शाहिब कुमार? इसमें कुछ और दिख रहा है मानने लायक? हाँ ये प्रैक्टिस से पता चल जाएगा शाहिब कुमार। क्वेश्चन को देखते ही बता दोगे। जब आप क्वेश्चंस को 2-3 बार देख चुके होंगे ना, तब आप देखते के साथ तुरंत बताओ कि हाँ सर इस क्वेश्चन में ये पुट करना है, इस क्वेश्चन में ये पुट करना है। बात क्लियर है? चलो देखो उधर, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराना ही तो काम है मेरा। करो क्वेश्चन, देखो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका कई बार। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोसेक्स डीएक्स, जल्दी बताओ आंसर। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल में थोड़ा सा लेवल का डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। जब हेड कांस्टेबल का पार्ट आएगा आपको फिर उसे देखना पड़ेगा बेटा मुझे, ठीक है। आप कांस्टेबल वाला भी आप जानना चाहते हो तो कांस्टेबल वाला ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसमें आपको जीएस, मैथ्स और कंप्यूटर तो सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, 100% मिलेगा। चलो आगे, जल्दी बताओ। एयरफोर्स में सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले तो देख, ठीक है। पहले तो ये वाला मैथ्स पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए दूसरे वाला मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और फिजिकल तो बहुत आसान होता है, उसके 1600 मीटर की जो रेस होती है वो कुल 8 मिनट में होती है, ठीक है। बहुत आसान होता है और बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं बहुत ही। पीसीबी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वाई ग्रुप में चांसेस हो जाते हैं। अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आपके लिए चांस बनेंगे कहाँ पे? जब आप किस में जा रहे होंगे? हाँ, वाई ग्रुप में। आदित्य दक्षर एनडीए जाना, एनडीए में अगर आपको जाना चाहते हो तो एनडीए के लिए मैं आपको ये पूरी स्ट्रेटजी एक दिन डिस्कस कर दूंगा। अगर आप एनडीए जाना चाहते हो तो एनडीए में स्ट्रीम का चक्कर नहीं है, बस आपको मैथ्स पूरा प्रॉपर आना चाहिए जो आपको दिखाया गया, ठीक है। जो उनका सिलेबस है उससे आप फुलफिल कर दो बस, उन्हें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस कोस को साइन में लेकर आना पड़ेगा, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। तो बताओ कोस को क्या लिखूंगा? जल्दी बताएंगे सर। कोस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख के और डीएक्स। बात बताओ समझ आ रही है क्या? क्लियर है ये बात? यहां तक समझ आ रही है? जल्दी बताओ फटाफट बताओ। कोई डाउट यहां तक? कोई से को एक को भी कोई डाउट नहीं है? तो साहब साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन कभी भी से काटते नहीं है, बस माइंड में इस बात को समझ देते कि ये साइन इनवर्स है, साइन है तो उड़ गया। तो ये क्या बच गया यहाँ पे? पाई बाई 2 माइनस एक्स बच गया और इसे हमने साथ में डीएक्स लिख दिया। अब पाई बाई 2 करूंगा तो पाई बाई 2 के साथ में लग जाएगा एक्स, माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस हो जाएगा सी, और यही हमारा आंसर होगा। बस बताओ बात समझ आएगी? हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा आयुष शर्मा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आयुष शर्मा पूछे सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बैच में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना पेपर तक? पेपर से पहले हो जाएगा, उम्मीद यही है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल हम लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में लगाते हैं, ठीक है। जब फॉर्म होगी 0.0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, मतलब आईएफ फॉर्म जब बन जा रही होंगी, वहां हम एल हॉस्पिटल रूल डिफरेंशिएशन के पार्ट से आता है, वो बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बताओ ये बात यहां तक आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? बड़ा सिंपल सा पार्ट था, इसे मैंने कोस को कन्वर्ट कर लिया साइन के फॉर्मेट पे, तो साइन देखो आप जानते हो बहुत अच्छे से कि सर कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये तो आप जानते हैं ना बहुत अच्छे से। तो जहाँ थीटा है वहां पर क्या आ गया एक्स आ गया, तो साइन अब देखो 90 को लिख दिया हमने पाई बाई टू और माइनस कर दिया एक्स, बस इतना ही तो किया। देखो यहाँ पे बस यही तो हिस्सा पुट किया मैंने, यहाँ पे कोस एक्स के जगह पर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स लिखा मैंने बस इसे, मेरी बात आप समझ रहे हो। अब देखो ये साइन साइन इनवर्स हो गया तो ये एलिमिनेट हो जाता, लेकिन हम इसे काटते नहीं कभी भी, मतलब इसे माइंड में इस बात को हम समझ लेते। तो क्या बचा पाई बाई टू माइनस एक्स बचा, पाई बाई टू का इंटीग्रेशन करूंगा उसके साथ में एक्स लग गया, एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा उसके साथ एक्स स्क्वायर बाई टू लग गया, बस इतनी सी कहानी बनी, आंसर दे दिया इसने। चलो अगले क्वेश्चन पे, चलो बहुत अच्छा वेरी गुड। आपको छोटी सी बात है अगर आप नहीं समझ पा रहे तो बिल्कुल बेझिझक होकर ऐसे ही पूछ लिया करो, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। देखो क्वेश्चन क्या करा, e की पावर x इंटू 1 + x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स e की पावर x, जल्दी करो फटाफट आंसर देना। जल्दी आ जाएगा वो भी बेटा, ठीक है बस आप पढ़ो फटाफट, जल्दी आंसर करो, मुझे फटाफट आंसर करो। सब कुछ होगा आयुष, करंट अफेयर भी होगा, सब कुछ होगा मेरे भाई, घबरा क्यों रहे हो इतना बिल्कुल, आप बस आप पढ़ते जाओ चीजों को, ठीक है। ये क्वेश्चन करके बताओ फटाफट तब बात बनाइए कुछ। जल्दी 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 देखो, जब आप x e की पावर x इज इक्वल टू रखो t के, x e की पावर x इज इक्वल टू क्या रख दिया t के रख दिया। अब इसे आप कह दोगे बड़े प्यार से कि सर e की पावर x 1 + x dx इज इक्वल टू dt, डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने इसका, बात समझ आ रही है भाई। जैसे हमने x e की पावर x इज इक्वल टू t रखा, फिर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या बनेगा, बात समझ आ रही है, e की पावर x into 1 + x dx is equal to dt, ये बात तो समझ में आ गई होगी। विक्की थोड़ा सा आपको ये बात सोचनी पड़ेगी कि आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको उसी पार्ट पर आगे बढ़ना है तो इसका मतलब आपको थोड़ा सा पार्ट देखना पड़ेगा, अपने पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और इस चीज को चेक करते जाओ, बात क्लियर है। और थोड़ी सी बातों को समझना जरूरी है। तो यहां से जैसे हम इस पार्ट को देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो इसकी जगह टी पुट करूंगा तो देखो इंटीग्रेशन साइन ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ये लिख दिया, अपॉन ये हो गया साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर को जो ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर टी डी टी। और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हो कि माइनस कोट टी, क्लियर है, हाँ बिल्कुल सही जानते हैं सर हम इसे, माइनस कोट टी हो जाएगा यहां से और प्लस सी। अब देखो टी क्या माना था एक्स ई की पावर एक्स, तो इसका मतलब माइनस कोट एक्स ई की पावर एक्स और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ क्लियर है कि नहीं है, समझ आई? सर एज कम है 5 फुट 6 इंच, सेंटीमीटर कन्वर्ट कर, पहला तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी फटाफट। ठीक है, फटाफट बताओ जल्दी। क्लियर हुआ सभी को? कोई से कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर? चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ फटाफट करो फटाफट। हाँ जी, दिल्ली पुलिस के पेड बैच की फीस अब कल तक तो 1499 थी। एक बार आप चेक करो जाकर साइट पे, जो अपनी ऐप है केडी लाइव की, जो अपनी ऐप है ना, सबसे पहले ये देखो, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, उसके बाद जाकर आप वहाँ से केडी लाइव की जो ऐप है उसे आप डाउनलोड करो। ठीक है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा बैच के, किसी बैच के रिगार्डिंग। आपको एयरफोर्स का बैच लेना है, ठीक है, आपको एनडीए का पार्ट, एनडीए वाला बैच का पार्ट लेना है, ठीक है, आप कोई सा पार्ट लेना है, आपको सारे बैच के पार्ट है वहीं पे पता चल जाएगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ जल्दी देखो। ठीक है सर एज कम है 5, एज नहीं भाई तेरी हाइट कम है, 5 फुट 6 इंच हाइट होती है, 5 फुट 6 इंच एज नहीं हो सकती। ठीक है, क्लियर है? चलो देखो फटाफट क्या करें? आप कोई सा पार्ट यूज कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स स्पेशल लेना चाहते हो, आप इंग्लिश स्पेशल लेना चाहते हो आप, ठीक है, जीएस स्पेशल लेना चाहते हो, ठीक है, रीजनिंग स्पेशल आपको लेना हो, तो आप कोई सा बैच आप देख रहे हो, दिल्ली पुलिस आप देख रहे हो, यूपी पुलिस यूपीएसआई आप देख रहे हो, लेखपाल आप देख रहे हो, ठीक है, सारे बैचेस इस अपनी ऐप पे अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम क्या करो, केडी लाइव की ऐप डाउनलोड करो और वहाँ से आप किसी बैच के रिगार्डिंग आप जाकर देख सकते हो। अब फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन का साइन हमें दिया हुआ है, तो log x प्लस 1 dx ये आपसे बोल रहा है, जल्दी बताओ फटाफट आंसर, जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो सबसे पहले समझने का मतलब क्या है, यहां पर जो एक्स्ट्रा फंक्शन है वो क्या है, x प्लस 1, यही है, तो मैंने इसी को t रख दिया। देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैंने t रखा तो x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो dx इज इक्वल टू dt, या फिर आप कह सकते हैं कि dx इज इक्वल टू dt कर दो सर सीधा। तो हमने यहीं पे इस बात को समझ लिया कि इंटीग्रेशन साइन log t dt हो गया, log t dt हो गया। बताओ बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बात क्लियर है? क्लियर है, समझ आ रही है बात? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है? ठीक है, तो अगर log के वाले पार्ट की बात करोगे तो इसके साथ हम 1 लिख लो यहां पे, क्लियर है, और लोग को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और वन को मान लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट टू सेकंड फंक्शन, इसका मतलब वन का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ आ रही है? माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सर 1/t हो गया। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सर टी हो गया, सर dt भी हो गया हाथ में। क्लियर है? अब देखो ये हो गया t log t, बात को ध्यान से समझेंगे। माइनस t से t कट गया, 1 हो गया और 1 का क्या हो जाएगा t और प्लस c। अब देखो t की जगह हमने क्या लिखा था, x प्लस 1 लिखा था, तो लिख दो यहां पे भी, ये हो जाएगा x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 और ये प्लस c। बात समझ आ रही है? क्लियर है? कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ। चलो यहां से आगे। अब देखो जब ये फंक्शन इस वाले पार्ट पे लेकर आओगे तो आप ये लोग m प्लस n वाले पार्ट पे, या फिर इसकी पावर यहां से भी लेकर जा सकते हो, या फिर इस वाले हिस्से को यहां से आप चेक भी कर सकते हो। क्लियर है? हाँ बिल्कुल समझ आ गया। हाँ पक्का बिल्कुल सही है, कर लोगे आगे? चलो आगे चलो यहां से। देखो आगे आगे चलता हूं। चलो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करना बहुत अच्छे से। देखता हूं कितना जल्दी आंसर करेंगे आप इस क्वेश्चन का। जल्दी करो। शिवांक पाल, जहां जहां पूरा पोर्शन यूज होगा मैं बिल्कुल बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इस पार्ट को एक बार आप समझ लोगे ना पूरे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में और कंप्लीट पार्ट के साथ में, तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है? ये इतना बड़ा सेक्शन है ही नहीं, बहुत सिंपल वे में आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है? मैं आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके पेपर में आ रहे होंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपको खुद लगेगा कि सर पूरा पेपर इसी तरीके से आ जाएगा तो मजा आ जाएगा पूरे पार्ट पे। क्लियर है? क्वेश्चन करो। जल्दी आंसर करो, जल्दी फटाफट, बहुत सिंपल है। शिवम मित्तल वो मेरे ऊपर छोड़ दो भाई आप, ठीक है? वो मेरा काम है, घबराओ मत। देखो इधर फटाफट, इसे जो ये sec की पावर 4 है, बात समझा रही है? तो इसे हमने लिखा tan स्क्वायर x। बात क्लियर हुई? अब यहां देखो इस वाले हिस्से पे ये sec की पावर जो 4 है, इसे क्या लिखूं बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। sec की पावर 4 को मैं लिखूंगा सबसे पहले सर sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। बताओ कोई इसे को दिक्कत? कोई से को भी, चार को दो दो में तोड़ दिया, ठीक है सर। इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स, ध्यान समझो, इसे मैंने लिख दिया 1 + tan square x और इसे मैंने रखा है एज इट इज sec square x dx। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? ठीक है सर। अब देखो अगर मैंने पुट किया, पुट tan x इज इक्वल टू टी, पुट tan x इज इक्वल टू टी। हाँ तो आप 12 अगस्त वाला ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ले लो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, आप पढ़ते जाओ बेफिक्र होकर, मैं आपके साथ खड़ा हूं, एक एक पॉइंट समझा के जाऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। राम लव, मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाया मेरे भाई, बहुत सिंपल सा पार्ट है, आप समझो, धीरे धीरे से समझ में आ जाएगा आपको चीजें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे, अब तो समझ लो, अगर tan x इज इक्वल टू टी है तो आप यहां से क्या कह सकते हैं कि सर sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt होगा, ठीक है साहब। तो देखो जहां जहां tan है, ध्यान देना रे, इस tan की जगह पर t और मतलब t का कर दिया स्क्वायर, 1 + t² होगा, और जो ये हिस्सा है ये वाला, ये तो यहां से क्या रख पाओगे सर dt। बस अब करना है क्या है इसमें, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा t² ये हो जाएगा t की पावर 4 dt। करो इंटीग्रेट फटाफट सर, t³ / 3 आगे करो, t की पावर 5 / 5 t की पावर 5 / 5 भाई n + 1 / n + 1 होता ना, और प्लस c। सर t तो हमने कुछ और रखा था तो रख दो वहां से, t क्या था सर tan x, तो आंसर आ गया अपना tan x की पावर 3/3 प्लस tan x की पावर 5/5 और प्लस c, छोड़ सकते हैं यहीं पे भी, बस आंसर हो गया। जल्दी बताओ फटाफट, क्लियर है? ठीक है मित्तल साहब, कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक? tan³ x / 3 + tan की पावर 5x / 5 + c, वेरी गुड। समझ आई ये बात यहां तक, कोई दिक्कत? चलो आगे, लास्ट स्टेप समझा दो। ओके ये लो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ पूरे को, लास्ट क्या तुम पूरा ही समझ लो, तभी क्या दिक्कत आ रही है। बस समझना ध्यान से, देखो बहुत सिंपल है, बस चीज़ों को रिलेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखो ध्यान से एक बार और देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पार्ट को तोड़ दिया, क्या तोड़ा देखो tan स्क्वायर एक्स, और इसे दो हिस्सों में ले गया तो मैंने लिखा था sec square x और dx, सबसे पहला काम मैंने किया। फिर मैंने क्या किया, जो tan x है पुट कर दिया, पुट किया मैंने tan x इज इक्वल टू टी, तो मुझे यहीं से पता चल गया, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो sec square x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। बात समझ आई? तो जो ये, अब ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से देखो, जो ये sec square x dx था इसकी जगह तो dt हो गया, ठीक है साहब। जो ये sec स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं 1 + tan square x, और देखो tan का मतलब क्या है t, अगर tan का मतलब t है तो ये t² होना चाहिए × 1 + ये भी tan है तो इसका मतलब भी t² होना चाहिए और ये dt, क्लियर। अब देखो जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा t² और ये हो जाएगा t की पावर 4, क्लियर है, और ये हो गया dt। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये होगा t³ / 3, इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये होगा t की पावर 5/5 और प्लस c। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको समझाया था इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है x की पावर n + 1 / n + 1 + c, ये होता है। तो हमने लगाया, तो मैंने क्या समझा, जब n की जगह 2 रखोगे तो 2 और 1 3, नीचे 3, 4 रखोगे 4 और 1 5, नीचे 5। क्लियर। अब इसके बाद की स्थिति क्या कहती है मेरे भाई, बात को समझो ध्यान से। ये क्या कह रहा है, t की वैल्यू क्या है 10x। देखो बड़े प्यार समझा कर जा रहा हूं, ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा पूरा बैच कंप्लीट, एक एक पॉइंट समझ में आएगा और सबके समझ में आएगा। मेरी बात आपको समझ आ रही है, एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो देखो यहां से हमने लिखा t की वैल्यू क्या थी सर 10x थी, उठा लो वापस, तो 10x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 10x की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस c, ये अपना आंसर होगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं है, क्लियर है। सीजली क्लास भी मैं लूंगा, एनडीए वाले भी लूंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। मालवीय साहब आप किस पार्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले एक बार मुझे ये बताएंगे। पहला ही टॉपिक चल रहा है साहब, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन का। पहले हम इंटीग्रेशन को पूरा पढ़ेंगे, अभी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अनिश्चित समाकलन। उसके बाद हम डेफिनेट पाएंगे निश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट का यूज होगा, जैसे -π/2 से +π/2। उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, तो सारी चीजें को धीरे धीरे रिलेट करते पढ़ते चले जाएंगे, एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इतने ही प्यार से पढ़ाता जाऊंगा पूरा सेक्शन, ठीक है। एक भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको स्किप करके जाऊँ, जिससे आपको कोई भी नुकसान हो। मेरी बात आपको समझ आ रही है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलो आगे, लिखो अगला क्वेश्चन, पढ़ो मजा आएगा। देखो क्या कह रहा है, ए दिया गया जो assertion दिया गया, ए इंटीग्रेशन साइन e की पावर x अपॉन x 1 + x log x dx इज इक्वल टू उसके है। फिर यहाँ पे दिया गया e की पावर x fx plus f dash x dx e की पावर fx plus c। बात समझ आ रही है। तो ये क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन इसने जो a कह रहा है, a and r true, r is the correct explanation of a। a और r दोनों सही हैं और r a की सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। पेपर में ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, ध्यान देना इस बात के ऊपर। दूसरा क्या कहता है, a and r true but r is not the correct explanation of a। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। उसके बाद ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बस आर इज ट्रू। तो बताइए जनाब क्या कहना पसंद करेंगे आप इसके बारे में, क्या कहोगे, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ पूरा ही क्लास पढ़ा रहा हूं बेटा, क्यों घबरा रहे हो। जल्दी आंसर आना चाहिए था अब तक इसका, फटाफट। जल्दी करके बताओ, साइड में हो जाओ। ये ले हो गए साहब, इतनी जगह में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो अगर मैंने इसे अंदर भेजा जैसे ही ए वाले पार्ट को, तो ये इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा e की पावर x अपॉन x प्लस, आगे भेजा e की पावर x और ये x कट जाएगा, log x हो जाएगा, ठीक है, dx हो गया। तो मैंने इसे अलग अलग इंटीग्रेशन दिखा दिया यहीं पे, क्लियर। अब देखो e की पावर x तो मेरा सेकंड फंक्शन रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट टू सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो जो 1/x है, जब इसका डिफरेंस करोगे, इसका मतलब आप x की पावर -1 कहोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो n माइनस वन, एक्स की पावर n माइनस वन, तो नहीं हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मुझे समझाना नहीं चाहिए था लेकिन मुझे बता दिया मैंने। इसका हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक। अब देखो तो जब हम इस बात को समझ रहे हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है? डिफ्रेंशिएशन हो गया और वो भी किसका, माइनस का सर, इंटू ई की पावर एक्स और ये हो गया डी एक्स। क्लियर हुआ? प्लस इंटीग्रेशन साइन ई की पावर एक्स लोग एक्स डी एक्स। बताओ बात समझ आ रही क्या? यहां तक कोई डाउट है किसी को? या मैं इसे एक सेकंड के लिए ऐसे भी कह सकता हूं, एक बहुत आसान मैं आप इस पार्ट को कहूं तो आप ये देखो, आप इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं एक सेकंड के लिए, e की पावर x ही होगा और अगर मैं इस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करूं तो ये log x हो जाएगा। मैंने इसे एक मिनट के लिए वो फंक्शन मान लिया दूसरे वाला, तो फर्स्ट फंक्शन ये कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन log x हो गया। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x रहेगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा फिर से log x हो जाएगा dx हो गया। मैंने सिंपल कर दिया आप लोगों के लिए, तो e की पावर x log x और dx हो गया। तो देख इस हिस्से से हिस्सा कट गया तो क्या बच गया, e की पावर x log x प्लस c बच गया। बात को समझो, बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए। मैंने 1 अपॉन एक्स को इस टाइम क्या कर दिया, सेकंड वाले पार्ट पे ले आया। मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक सेकंड में आंसर पता चल गया कि सर जो ये पहला पार्ट था ये बिल्कुल सही जा रहा है, e की पावर x log x प्लस c, देख मेरा भी आ गया यहीं पे। तो इसका मतलब a इज करेक्ट, a इज करेक्ट। अब यहां से मैंने देखा जब e की पावर x को बाहर लिया तो देखो जो fx था और ये f डैश x था तो ये बराबर e की पावर x fx प्लस c आ गया आंसर। तो देखो e की पावर x ये है और fx ये है, तो यहां देखा e की पावर x ही हो गया। ठीक है साहब, fx क्या बन के आ रहा है, देखो ये देखो हमने यहां पे e की पावर x और fx ही हो गया। इसका मतलब a एंड r आर ट्रू एंड r इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ a, सो ऑप्शन a इज करेक्ट, ऑप्शन a इज करेक्ट। नोट कर लो। बताओ बात समझ आए क्या? जल्दी बताओ। समझ आई बात? हाँ, वो भी कराऊंगा बबलू मीना, एक दिन आपको डिस्कस करके दिखाऊंगा कि एयरफोर्स का जो पेपर है वो कितना जल्दी कराया जा सकता है। एक एक सेक्शन देखो, मैथ्स का सेक्शन समझने में बहुत टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि धीरे धीरे चीजें समझानी होती। जो सेक्शन आप भूल चुके उस पार्ट को मुझे आपको समझाना है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? देखो इस तरीके से जब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो इस पार्ट को ध्यान देना कि असर्शन का मतलब क्या है, रीजन का मतलब क्या है, दोनों सही है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो ये बात डिपेंड कर रही है इसके ऊपर। आप पहले फंक्शन के साथ एक बार रिलेट करो, उसके बाद दूसरे फंक्शन को आप चेक करो कि जैसे मैंने पहले फंक्शन को इंटीग्रेशन पर लेके आया क्या सेकंड फंक्शन भी उसी तरीके से काम कर रहा है। अगर दोनों काम कर रहे हैं तो इसका मतलब मैसेज बिल्कुल सही जा रहा है, अगर दोनों काम नहीं कर रहे हैं इसका मतलब गड़बड़ है कहीं ना कहीं। चेक करो उस पोर्शन को, तो चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा इसमें क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलो आगे। अब देखो ये कुछ इंटीग्रेशंस हैं जिसे आप एक बार थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इससे आपके लिए आगे की चीजें बहुत काम करेगी। देखो जैसा फर्स्ट पार्ट है, इस बात को आपने एक बार समझा भी होगा, इंटीग्रेशन ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो इसका जो ये पार्ट होगा इसे हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ये 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a होगा। ये आपको पेपर में बेहद यूजफुल होंगे, ठीक है, अगर आप इस बात को सीधे समझ लेंगे। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन साइन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस x होगा। मतलब बस बात को समझो, यहाँ पे ax था यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, और अंतर कितना हो, देखो ये सेम है, यहाँ का हिस्सा ये हिस्सा थोड़ा सा बदल गया, क्या होगा वो ऊपर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए था, यहाँ x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए हो गया। ठीक है, प्लस सी हो गया। अब देखो ये देखो इंटीग्रेशन साइन, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया मतलब इसकी जगह पर चेंज हो गया, तो क्या लिखेंगे 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और आंसर बन जाएगा अपना। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हाँ, तो शिवांग पाल कह रहे हैं सर यू आर राइट, बिकॉज मैंने सोल्व नहीं किया था और मुझे रीजन का फॉर्मेट याद था तभी मैंने डी ऑप्शन बोला था। नहीं नहीं, वो उसे सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सोल्व नहीं करोगे तो फिर वो आप ए बी और सी ऑप्शंस को अलग अलग नहीं कर पाओगे। नीरज सीजल में नहीं आता बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा, इस पर साफ साफ लिखाया हुआ है। देखो मैंने एयरफोर्स एक्स और एनडीए, क्लियर है? मेरी बात आप समझे? तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए बात बन रही होगी। यहाँ पे आगे चलते, थोड़ा सा धीरे से थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो कोई फोर्थ, इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, काम आ जाएंगे। अगर ये इस तरीके से आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूट पे लेके आएगा तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी में आ जाएगा, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आएगा, तो लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी आप इसे लिख पाओगे। सिक्स्थ पार्ट जो ये आपका ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये है तो इसे लोग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी आप इसका आंसर कर पा रहे होंगे। बात क्लियर है? अगर आप ये बात समझ पाते हैं तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। जो पोर्शन आप बहुत लेंथी तरीके से लेके जाते थे उन्हें आप सीधा मार कर पाओगे, सीधा, बिल्कुल मिसाइल के तरीके से काम कर रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल सीधा सीधा पार्ट पर आपका आंसर देता जा रहा होगा, क्लियर है? तो ये पार्ट जो है आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, काम आएगा, बेहद बेहद जरूरी है और बहुत काम आएगा, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको पहले भी बता चुका कि अगर टेन एक्स का पार्ट है तो ये आएगा, कोट एक्स का पार्ट है ये होगा, सेक एक्स है तो ये होगा, और कोसेक एक्स है तो ये होगा। इन दो पार्ट को आप बेहद तेजी से समझ लेंगे और बेहद जल्दी समझेंगे, क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को तो आप मेरी बात को समझ सकते, ठीक है। और जो पार्ट आपको नहीं समझ में आएगा उसे देख लेंगे एक बार, क्लियर? चलो यहां से आगे। अब ये क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप फटाफट, बहुत तेज। अभी अभी मैंने आपको रिवाइज कराया, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे करेंगे। ये मैंने एक दिन पहले भी क्लास में लेके आया था, लेकिन मैं इस पार्ट को अभी तक बात क्यों नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे ये बातें आपको बतानी थी स्टार्टिंग में। अगर आप ये बात समझ पाओगे तो ये चंद सेकंड का आंसर है, क्योंकि अभी आपको एक इंटीग्रेशन इस तरीके दिखाई देगा, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह, जहां 4 है मैं 4 की जगह क्या यूज कर सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के तरीके से दिखाई देगा, और इसका आंसर आप चंद सेकंड में निकाल दे रहे होंगे। जल्दी आंसर करेंगे फटाफट, बहुत तेज बहुत तेज। जल्दी आंसर करेंगे, जल्दी, बहुत तेज, जल्दी लिखो जल्दी। आंसर आ जाना चाहिए था अब तक इसका। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा, हम लिख देंगे इसका इंटीग्रेशन सीधा, log x प्लस अंडर रूट इसका पार्ट 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और dx। बताओ ये बात नहीं समझाएगा मैंने आपको, क्लियर है? मतलब log x प्लस, इसे ऐसे लिखेंगे, तो आप इसे ज्यादा करोगे तो log x प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ आई? बताओ जल्दी फटाफट, एक सेकंड का क्वेश्चन है कि नहीं है? फिजिक्स की क्लास भी होती है, आपके सारे क्लासेस होते हैं, बस आप पढ़ने की कोशिश तो करो भाई, ठीक है। मेन मैटर करता पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे। क्लियर? समझ आ गया? अभी अभी क्लियर कह रहा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन a प्लस बी साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, जल्दी बताओ आंसर आ गया। बहुत बहुत बढ़िया, क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तानी अरुण कुमार, विनय पांडे, बहुत बेहतरीन, पढ़ते जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ये देखता हूं कितना जल्दी इसका आंसर कर पाते हैं आप। वैभव गौतम, आप थोड़ा सा ध्यान से देखते तो शायद क्लियर हो गया होता, दिक्कत ही नहीं है इसमें। आप इसे देखो, देखो जब इसे आप डिवाइड कराओगे तो देखो इंडिविजुअल, तो ये ए हो गया, कोस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और मैंने डीएक्स भी अंदर घुसाया, डीएक्स हो गया सर, क्लियर है। प्लस इंटीग्रेशन साइन बी, अब इसे भी पार्ट पर लेकर जाओगे तो दो हिस्से में तोड़ेंगे हम, कैसे कैसे सर। साइन एक्स है, ये कोस है, तो इसे मैंने एक कोस को रखा मैंने नीचे, क्लियर, और जो एक कोस बचा उसे भेजा ऊपर सेक के फॉर्मेट पे, या फिर अगर नहीं समझ पा रहे तो इनटू में 1/cos भी लिख के दिखा सकता हूं आपको dx, अभी तो कोस स्क्वायर ही है। तो देखो a बन गया सेक स्क्वायर एक्स dx, बात को बहुत सिंपल वे में समझ लोगे। b ये हो गया कोटेक्स सॉरी टेन एक्स, ये टेन एक्स हो गया, और ये हो गया सेक एक्स dx, क्लियर। तो आप मुझे सोच के बताओ क्या सेक स्क्वायर एक्स जो है वो टेन एक्स के पार्ट से नहीं आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे जैसे हम, और जब इसके पार्ट पर लेकर आएंगे तो ये किसका इंटीग्रेशन होता, b मैंने बाहर रखा, सेक एक्स टेन एक्स किसका इंटीग्रेशन होता, जल्दी बताओगे, सेक एक्स का। तो साहब यहां देखा हमने सेक एक्स हो गया और ये प्लस c कर दिया, बस इतनी सी बात थी। a tan x प्लस b sec x प्लस c आंसर हो जाएगा। बोलो जल्दी भाई, y ग्रुप के लिए आपको शाम का 7 से 8:30 का पार्ट होगा। देखो अगर आप प्रॉपर खाली y ग्रुप के लिए जाना चाहते हो तो 7 से 8:30 का एक बैच है, उसे ले लो, ठीक है। अगर आप x ग्रुप NDA नेवी, ठीक है, इस वाले पार्ट पाना चाहते हो तो ये आप 11 बजे वाला बैच ले लो, सुबह वाला, ठीक है। ये मैंने 2 सेक्शन आपको बता दिए, क्लियर क्लियर, बिल्कुल साफ साफ, आप चेक कर लो। इसकी फीस 1100, ये 12 अगस्त से आ रहा है नया बैच, इसकी फीस 1199, ठीक है। ये 28 जुलाई से इसकी कुल चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है इसकी, थर्ड क्लास सॉरी, ये इसकी थर्ड क्लास है, 1199 ये इसकी थर्ड क्लास है। तो बिल्कुल बड़े प्यार प्यार से मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज समझाता जा रहा हूँ, ठीक है। आप एक एक सेक्शन को समझते जाओ, जो सेक्शन आपको समझ नहीं आएगा आप उसे मेरे से डिस्कस कर लो, क्लियर है। हाँ जी, आज 7 बजे मैथ की क्लास होगी आपकी। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, जल्दी देखेंगे इस क्वेश्चन की तरफ, नजरें गड़ाएं और जल्दी आंसर दें। इंटीग्रेशन साइन log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर dx, जल्दी आंसर करो, क्या कर पाओगे। सब पढ़ाऊंगा भाई मैं, एकदम से कैसे पढ़ा दूं, मतलब मैं जादूगर तो हूं नहीं, ठीक है। पहले मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं, पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है अभी, उसके बाद डेफिनेट आएगा, ठीक है, तब उसके बाद कंडीशंस बदलेंगी, ठीक है। एक सेक्शन को सीक्वेंस वाइज पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आंसर करो, देखो यहां से क्या करें, हमने क्या किया, log x को t पुट कर दिया, तो आप कहोगे सर 1/x dx इज इक्वल टू डी टी। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, फिर यहां से आप क्या कह सकते हो कि सर जो ये हिस्सा है यहां से हम कह सकते हैं कि सर जो x है x इज इक्वल टू ई की पावर टी के है। क्लियर है? ऐसा क्यों कहना को पड़ा? क्योंकि मैं इसे इस तरफ लेके जाऊंगा तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू x dt। ठीक है, बात को समझना ध्यान से। और x इज इक्वल टू यहां से क्या लिखा, ई की पावर t, तो आप dx इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, e की पावर t dt। क्लियर हुआ? तो मैंने यहां लिख दिया इंटीग्रेशन साइन, log x की जगह मैंने t लिखा तो ये लिखा t अपॉन 1 प्लस, तो ये 1 प्लस t का होल स्क्वायर। अब देखो जो ये dx है इसकी जगह क्या लिखेंगे, e की पावर t dt, तो यहां लिखा e की पावर t और ये होगा dt। बताओ बात समझ पाए क्या? क्लियर है? क्लियर हुई? तो मुझे यहां क्या लगाना पड़ेगा, इस बात को समझेंगे ध्यान से। तो इंटीग्रेशन का पार्ट e की पावर t, क्लियर होगा, e की पावर t, और जो ये हिस्सा है जब आप इसे इंडिविजुअल लिखेंगे तो आप इसे लिखेंगे 1/1 प्लस t माइनस 1/1 प्लस t का होल स्क्वायर और ये हो गया dt। बताओ कितने जो है इस बात को समझ पाए? पहले मुझे बताएंगे इस बात को कितने समझ पाए कि मैंने ये क्या लिखा है। मैं इस पार्ट को यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ जिससे आप समझ पाओ, चीज़ों आसान आराम से समझ पाओ कि ये मैंने लिखा क्या है। देखो इसे मैंने यहाँ से लिख लिया, अब इंटीग्रेशन साइन e की पावर t dt, e की पावर t और ये हो गया dt। ठीक है, और ये हो गया 1 प्लस t का होल स्क्वायर, ये वाली बात। फिर मैंने लिखा सब 1 प्लस t का होल स्क्वायर और ये होगा dt। कितने हैं जो ये बात समझ पाए? समझ गए? मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया मैंने इसका यहाँ पे। ठीक है, ध्यान समझ लेना इस बात को। जब ये अंदर जाएगा तो आप इसे कह दोगे e की पावर t अपॉन 1 प्लस t, e की पावर t अपॉन 1 प्लस t और माइनस इंटीग्रेशन साइन e की पावर t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर, ये भी dt और ये भी dt। समझ पाए? क्लियर हो गया? ठीक है, अब जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो क्या होगा, फटाफट समझेंगे। e की पावर t अपॉन 1 प्लस t माइनस इंटीग्रेशन साइन e की पावर t और ये बन जाएगा 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। बात क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कोई से को भी एक को भी कोई दिक्कत है यहां तक? और ये माइनस का वाले पार्ट पे। ठीक है, और माइनस हो गया इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। माइनस क्यों आया, मैंने आपको समझाया था कि जब 1/x को आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो देखना ध्यान से इस पार्ट को आप समझ जाओगे। क्लियर? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं चेंज करके लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से। e की पावर t अपॉन 1 प्लस t, ये माइनस माइनस होगा प्लस, इंटीग्रेशन e की पावर t अपॉन 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt माइनस इंटीग्रेशन साइन e की पावर t 1 प्लस t का होल स्क्वायर dt। तो देखो भाई इससे ये पार्ट कट गया तो क्या बचा, ये और प्लस c। क्लियर है? तो क्या बच गया यहाँ पे, ये बात हमने समझ ली यहाँ पे ध्यान से, बड़े प्यार से, कि e की पावर t अपॉन 1 प्लस t और ये प्लस c बच गया सर। तो साहब e की पावर t की जगह क्या लिख दोगे सर, x 1 प्लस t की जगह क्या लिख देंगे, log x, तो सर प्लस c आंसर होगा। x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c अपना आंसर होगा। बताओ समझ पाए क्या? क्लियर है? यहां तक की बात आपको समझ आ रही है सभी को? कोई दिक्कत हो कोई से को तो मुझे बताओ। ये जो पार्ट हमने यूज किया पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से, हाँ मेरे भाई राम राम प्रतीक सिंह, ठीक है, ये पार्ट मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और अगली क्लास में मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पार्शियल फ्रैक्शंस हैं वो सारी बातें सिखा दूंगा कि क्या पार्शियल फ्रैक्शन होती है, ठीक है, किस तरीके से हमें यूज़ करना होता है, कौन सा सेक्शन किस तरीके से यूज़ करेंगे, कहाँ से कौन कौन सा सेक्शन उठाते जाएंगे, जो आपको चीज़ें बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। क्लियर है? जल्दी बताओ बात समझ आई क्या? इंद्रेश कुमार, हाँ जी क्या पूछना चाहते हैं आप? दोबारा लिख दें एक बार। जल्दी जल्दी जल्दी। भाई दिल्ली पुलिस के फॉर्म अभी आए हैं, जस्ट आए हैं अभी, ठीक है, 1 अगस्त से भरने शुरू हुए हैं, सितंबर तक है, अभी टाइम है, बहुत टाइम है अभी, ठीक है भाई। न्यू बैच ही है, 3री क्लास चल रही है कुल, 3rd क्लास, ठीक है। दोबारा बताने की जरूरत पड़ेगी से, देखो ध्यान से एक बार और। हमें सबसे पहले क्या किया, हमने जो log x है इसको हमने t पुट किया, फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो log x का होता क्या, 1/x dx इज इक्वल टू dt होता, ठीक है साहब। तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, x dt हो गया। लेकिन जब मैंने इसे यहाँ से देखा कि जो log का पार्ट होता है उस तरफ जाके e की पावर t बनाएगा, तो x इज इक्वल टू तो e की पावर t हो गया, तो इसे मैंने यहाँ चिपका दिया फिर कि dx इज इक्वल टू हो गया e की पावर t dt। पहली बात क्लियर? अब देखो, अब जब इसे यहाँ पुट करोगे तो इंटीग्रेशन साइन log की जगह तो t आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर। जो dx भाई साहब है यहाँ से इसकी जगह उठाओगे तो e की पावर t और dt हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो यहां से मैंने इसे ऐसे लिख लिया, ये e की पावर t को मैं इसे एक तरफ ले आया तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, t/1 + t का होल स्क्वायर और dt दिखाई दे रहा है सर, ठीक है। तो इसे आप लिखेंगे क्या, 1/1 + t - 1/1 + t का होल स्क्वायर dt, ठीक है। ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया है, बात समझ आ रही है? ये सारी बातें कल मैं आपसे डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। क्लियर? तो जब इसे अंदर भेजा हमने तो देखो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e की पावर t/1 + t और dt, माइनस लगा के भेजेंगे तो माइनस e की पावर t/1 + t का होल स्क्वायर और ये हो गया dt। क्लियर? अब जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूं देखो अगली लाइन में आंसर आ जाएगा, बस बात को ध्यान से समझो। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन के भी आपसे ट्रीट करा दिया, तो ये हो जाएगा e की पावर t/1 + t, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन, तो ये माइनस का हो जाएगा e की पावर t और जो ये नीचे का इसका इंटीग्रेशन पार्ट लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1 + t का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा डायरेक्ट, क्योंकि मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुका जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन था, याद आ रहा ना, असर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन था, पीछे वाला क्वेश्चन जो गया उसी मैंने आपको ये बात समझाई थी, ठीक है। ये हो गया इतना पार्ट, माइनस का साइन है, अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये होगा e की पावर t/1 + t का होल स्क्वायर, ये होगा dt। अब देखो ये माइनस माइनस जो ये हिस्सा है तो मैं इसे दूसरे कलर से आपको समझा देता हूँ, इस माइनस से माइनस का पार्ट प्लस बन जाएगा और प्लस बनते के साथ ये इससे उठ जाएगा, प्लस ही रह गया, तो हमारा आंसर बन गया मतलब e की पावर t 1 + t और प्लस c बन गया। अब यहां से इस बात को समझेंगे सीधा सीधा, क्या समझना है कि जो चीजें मैंने यूज की थी उसको मैं वापस लेके आऊंगा अब, ठीक है, घर वापसी कराई इसकी, तो घर वापसी कराऊंगा। देखो e की पावर t की वैल्यू क्या है सर, x, तो मैंने वहां से उठा के यहां लिख दिया x/1 +। अब देखो t की वैल्यू क्या लिखी आपने साहब, log x, तो उठाए यहां लिख दिया log x, तो इसका मतलब मेरा आंसर हो गया x/1 + log x और प्लस c, ये अपना आंसर होगा। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके बहुत आसान हो गया, अगर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज ना करते तो बैंड बजा देता है क्वेश्चन तुम्हारी। क्लियर है? मेरी बात समझ आई? मैंने इसका यूज देखो ये कैसे किया सीधा कि सर e की पावर t अपॉन 1 plus t, और आपने सीधा ऐसे कैसे लिख दिया? तो मेरे भाई मैंने यहां से लिखा है पिछले क्वेश्चन से, ठीक है? आपको रिलेट करना आना चाहिए चीजें। देखो ये क्वेश्चन जो आपको गया था ये बिल्कुल ऐसे ही तो था, जब हमने से अंदर लेके देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये हो गया e की पावर x अपॉन x और प्लस e की पावर x log x और dx, यही तो था। अब आप इस बात को देखो फटाफट यहां से, जब आप इसे इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग करोगे तो हमने क्या लिखा था e की पावर x अपॉन x, याद आ रही है बात, और माइनस इंटीग्रेशन साइन e की पावर x अपॉन x स्क्वायर। देखो ये x था, x स्क्वायर हो गया, ठीक है साहब, dx हो गया, लेकिन ये माइनस का हो गया, ठीक है, dx हो गया, प्लस हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x log x और dx। याद आ रहा है कुछ थोड़ा सा? बात समझ आ रही है? तो वहां से भी आप इस पार्ट को उठा सकते थे, बस ये बात ध्यान रखना। मतलब मैंने वापस ले गया मैं उसी पार्ट को, बस। क्लियर? रिलेट करना जब तक आपको नहीं आएगा तब तक दिक्कत आएगी। देखो ये मैंने अब ये पार्शियल फ्रैक्शंस थी, ये मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, ठीक है? अगली क्लास में पूरे पार्शियल फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे, ये सारी एक एक किस तरीके से होगी कि सर फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन है अगर पी एक्स प्लस क्यू है और एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के फॉर्मेट पर, लेकिन ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ये भी है सर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर जो होगा वो अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी के दिया गया, तो इसका मतलब इसे हम ऐसे लिख पाएंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस बी सी अपॉन एक्स माइनस सी। मतलब ये वाले पार्ट जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो इसका यूज हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? अब देखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब बन रहा है, तो देखो ध्यान से ये क्या हो गया? ए अपॉन एक्स माइनस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और सी अपॉन एक्स माइनस ए का होल क्यूब, यही हमने इस वाले पार्ट पे यूज किया। अगर ये वन अपॉन x माइनस ए का होल क्यूब इस तरीके से लिखा होता तो आप क्या करते? कन्वर्ट कर देते ना हम इसे कि सर 1 अपॉन एक्स माइनस ए प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस बी का होल क्यूब। बात समझ आ रही है? तो चीज़ों को थोड़ा सा रिलेट करके देखते जाओ, जब आप समझ जाओगे ना चीज़ों को तो आपको बातें खुद ब खुद समझ आने स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? कोई से को एक को भी कोई डाउट? तो भाई इंटीग्रेशन कम से कम 3 से 4 क्लास तो लेगा ना, ये उसे एक क्लास में उड़ा दूं निर्मल कुमार? है भाई, कुछ तो टाइम लेगा ना वो, थोड़ा सा हवा तो बन नहीं जाएगी। तो अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे? जो पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं जो ये हमारी, इसे हम बोलते हैं आंशिक भिन्न, ये डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अब बहुत रोल है। जो इंटीग्रेशन है हमारा, इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे इसका बहुत रोल आएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो सेक्शन आपको बहुत आसानी से क्लियर करेगा, और वो कौन सा सेक्शन क्लियर करेगा आपका? पार्शियल फ्रैक्शन। बात समझ आई? क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पढ़ते जाओ, मेहनत करते जाओ, आपको सारी चीजें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो इंटीग्रेशन का सेक्शन जितने मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, इसका रिवाइज करना बहुत बेहतरीन तरीके से रिवाइज करो। क्लियर है? कोई सा भी सेक्शन आपको दिक्कत करता हो तो जो वीडियो मैंने फिनिश कर रहा हूं इसके नीचे लास्ट में कमेंट कर दो कि सर ये क्वेश्चन है जो आप हमें समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बात आपको समझ आ रही है? तो जो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर, जैसे इंटीग्रेशन आप पढ़ते जा रहे हो, अब आपको कोई क्वेश्चन फंस गया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। जब आप क्लास में एंट्री ले लोगे, जब आप बैच परचेज करोगे तो आप वहां डायरेक्टली कमेंट कर पाओगे कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो ठीक है भाई इसे देख लेते हैं पहले, ठीक है? तो सारी चीजों को धीरे धीरे एक सीक्वेंस वाइज फॉर्मेट पर हम समझते जाएंगे। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगी वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप जुड़े मेरे और केडी कैंपस के साथ में, ठीक है? आपको काफी अच्छा फील होगा। एयरफोर्स का जो ये बैच है हमारा, ये पार्ट इसकी 3री क्लास थी कुल, ठीक है? इसकी इस बैच की कुल 3rd क्लास हमने ली है अब तक, ठीक है? तो इस बैच को आप देख सकते हो। थैंक यू, आज सभी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। आज के लिए हम इतना रखेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।